सम्मान्य अब कुछ अध्यक्ष महोदय पहले बोलते हैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं सदन के सभी 41 सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और न केवल भाग लिया सभी ने एक मत से इस विधेयक के संशोधनों का स्वागत भी किया लेकिन कभी कभी चर्चा करते समय हम बहुत दूर तक चले जाते हैं। हमारे केरल के एक IMUL के सदस्य कह रहे थे मैन ऑन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे बोलते बोलते वो कह रहे थे कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ही बचाना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का ही होना चाहिए, एनिमल की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही सोच रहा था कि ऐसी कल्पना की जाए कि इस धरती पर न पेड़ हो, न पर्वत हो, न नदी हो, न पशु हो, न पक्षी हो, केवल मनुष्य ही मनुष्य हो, तो क्या ये धरती धरती रहेगी? और धरती पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उसमें अगर संवेदना है, उसमें अगर सोच है, उसमें अगर सबसे ज्यादा सृजनात्मकता है, उसमें अगर सबसे ज्यादा भावनात्मक विषय है तो मनुष्य पे है, तो मनुष्य की जिम्मेदारी है कि ये धरती उसकी नहीं है, ये वसुधैव कुटुंबकम है, सबका साथ सबका विकास, ये मनुष्य की ही कल्पना, यही हमारी कल्पना, यही हमारी भारतीयता का मूल भी है। और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये जो सरकार जिस फिलॉसफी को लेकर काम कर रही है, ये सरकार की फिलॉसफी ही भारतीयता के उन मूल विचारों को स्थापित करना है जिसके आधार पे न केवल धरती हरी भरी रहे, धरती में सब लोग सह अस्तित्व के माध्यम से रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा देश, ये सच है कि दुनिया का केवल 2.4% ही हमारा पास जमीन का हिस्सा है, लेकिन हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसमें 17 मेगा डाइवर्स, मतलब सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जिन देशों में है, उसमें हमारे देश का जो प्रतिशत है वो 8% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा बायोडायवर्सिटी को लेकर के आता है। और इतनी जो रिच बायोडायवर्सिटी है, उसमें जो पर्यावरणीय संरक्षण है, इकोलॉजिकल वैल्यूज है, इकोलॉजिकल वैल्यूज का अर्थ है कि हमारे वन, हमारे ग्रासलैंड, हमारे वेटलैंड, हमारे कोस्टल और मैरीन एरिया, हमारा रेगिस्तान का इकोसिस्टम, हमारे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, प्लांट्स, ये जो यूनिक सिस्टम हमारे देश का है, ये सुरक्षित रहे। जब राजा जी बोल रहे थे, वो पूर्व पर्यावरण मंत्री रहे, तो उन्होंने कहा कि ये आप एक नई मैनेजमेंट कमेटी क्यों लेकर के आए, और साइंटिफिक कमेटी का अर्थ क्या है? जब ऑलरेडी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हम 1970 के दशक से साइटिस के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है वो भारत रहा है। आज दुनिया में जो अभी लेटेस्ट बॉन में सम्मेलन हुआ है, बायोडायवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज को लेकर के जो साइंटिस्ट की रिपोर्ट आई है, वो हम सब लोगों के लिए आंख खोलने वाली है। 50,000 से ज्यादा फ्लोरा और फोना का डे टू डे अपने जीवन में फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए मनुष्य लगातार इस्तेमाल कर रहा है, उसमें मैरीन से लेकर सब फ्लोरा और फोना है। इसका सस्टेनेबल यूज कैसे हो, इसका सस्टेनेबल कंजम्पशन कैसे हो? और इसलिए सस्टेनेबल कंजम्पशन और सस्टेनेबल यूज जितनी भी चीजें हैं, उसका सबसे बड़ा करने का ये जो संकल्प है, ये भारत का संकल्प है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये बताना भी चाहूंगा कि पिछला जब कॉप हुआ था, दुनिया में जो तीनों सबसे बड़ी कन्वेंशन चलती हैं, UNFCCC की दुनिया के जलवायु तापमान के विषय को लेकर के, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड को लेकर के, जिसका पिछले दिनों कॉप एकदम ईस्ट अफ्रीका में
जो आइवरी कोस्ट कोटे डोर जिसको कहते हैं उसमें अबेजान करके उनके शहर में हुआ, और तीसरा बायोडायवर्सिटी का है। इन सब विषयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक मिशन दिया, मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का अर्थ यह है कि जितनी भी बायोडायवर्सिटी हमारे पास है और दुनिया में है, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक नियमों की व्यवस्था होनी चाहिए। और साइटिस का जो हमारा जो एग्रीमेंट हमने साइन किया, उसके लिए अगर इसका एक्सपोर्ट होता है तो उसके प्रॉपर संचालन के लिए, उसके प्रॉपर निर्यात को महत्व देने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी को बनाया जाना जरूरी है। वास्तव में इससे पहले ये जो काम हम करते थे, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड प्रमोशन के द्वारा और हमारे कस्टम्स के द्वारा ये सारा विषय होता था, लेकिन साइटिस का जो दुनिया में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात है, उस लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंतर्गत एक डेजिग्नेटेड मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जिसके द्वारा ये प्रूव किया जाना चाहिए कि जो भी चीज आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसको एक प्रमाणिकता के लिए, उसके सर्टिफिकेशन के लिए एक अथॉरिटी की आवश्यकता है। हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े सीनियर लोग बैठे हैं वहां, जो हमारा जो शॉल जाता है, बहुत भोला जानवर हमारा जो तिब्बत का जो जानवर रहता है, अभी डची गांव का भी उल्लेख कर रहे थे, भारत के सबसे सुंदर जगहों में से एक डची गांव है, और हमारा जो वहां पे भालू है, हंगल है, वो दुनिया का सबसे यूनिक है, उसकी चिंता आप कर रहे थे। और निश्चित रूप से मैं भी डची गांव होकर आया था, इतनी सुंदर जगह, इतनी बायोडायवर्सिटी की जगह भारत में हमारे पास है, कश्मीर में बांदीपुरा में हमारे पास वलूर जैसी सुंदर लेक है, लाखों से ज्यादा हमारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, लेकिन उनका जो ये शिकार होता है और उसके शिकार के कारण जो बाकी सारा जो चीजों में प्रयोग होता है, इसके लिए कोई एक सर्टिफिकेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, हम अपने देश से किसी भी चीज का अगर निर्यात करेंगे तो हम ये प्रमाणिकता देंगे कि हमने उन एंडेंजर्ड स्पीशीज का, उन लोगों का अनावश्यक शिकार नहीं किया है जो केवल हमारे अपने लाभ के लिए, अपने लग्जरी के लिए हो, इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है, यह हमारे भारत की संकल्पना का दायित्व है, यह हमारे बायोडायवर्सिटी के साथ अपने जीव जंतुओं को हम अपने लग्जरी शॉल वगैरह में इस्तेमाल ना करें, इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार से राज्यों के अधिकारों को लेने का बात नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट व्यवस्थित तरीके से हो उनको संबल देने के लिए हमने मैनेजमेंट कमेटी को बनाया है। फिर आप कह रहे थे अब साइंटिफिक कमेटी की क्या आवश्यकता है, मैं ये भी जानता हूं कई बार ये जो शहतूस का जो शॉल वगैरह आता है, आखिर इसको साइंटिफिक तरीके से, उसका बाल जब आप थ्रेड निकालते हैं तो WII से लेके बाकी सारे जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें निकाला जाता है, और हमारे पास देश में ZSI, WII जैसे बेहतरीन संगठन है। मेरे को ये बताते हुए खुशी है, हमारे ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, विशेष रूप से ZSI, BSI, अधीर रंजन जी आप कह रहे थे, ये सब कलकत्ता में स्थित हैं, 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, और आज तो ZSI के पास 1,04,000 से ज्यादा स्पीशीज का उनके पास एक पूरा उनका रिसर्च है। हमारे BSI के पास भारत के फ्लोरा और फोना का लगभग 35,000 से ज्यादा का प्लांट का कलेक्शन है, और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का परसों ही उल्लेख किया है, और ये सारा अब उन्होंने डिजिटल कर दिया ताकि ये देश की जो हमारी एक भव्य जैव विविधता और जो संपदा है, इसका ज्ञान हमारे शिक्षा के लिए सारे विद्यार्थियों को हो, सारे लोगों को हो। आखिर ये जो प्रकृति का दिया हुआ जो असीमित उपहार है, इसको हम पैदा नहीं कर सकते, इसको प्रकृति ही बना करके रख सकती है, उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए साइटिस के प्रोविजन हम इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो आप ये कह रहे हैं कि हमने जो शेड्यूल है, चार शेड्यूल को हमने, पहले के जो 6 शेड्यूल है उनको हमने 4 में क्यों करा, क्योंकि ये जब बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया था, अधीर रंजन जी आपका ये कहना मेरे को उचित नहीं लगता है कि इसको जल्दबाजी में किया है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयराम रमेश ही थे, 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के उसमें रिप्रेजेंटेशन है, इवन मैं तो ये पहली बार स्टैंडिंग कमेटी ऐसी है जिसमें 6 से ज्यादा सांसदों ने जाकर अपने बयान और विषय रखे हैं, इसकी संवेदनशीलता ऐसी है कि सबने इसमें भाग लिया, और हमने भी स्टैंडिंग कमेटी को कहा कि इसको बड़े व्यापक तरीके से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश के आने वाले समय में भविष्य के विषय को बनाने का विषय, जोड़ने का विषय है, और इसलिए जो
पहले के जो हमारे शेड्यूल थे उसको न केवल स्टैंडिंग कमेटी ने अलग एक्सपर्ट से राय ली, फॉरेस्ट क्षेत्र में काम करने वालों के लोगों के साथ राय ली, उसके साथ ही साथ हमारे भी मंत्रालय ने स्टैंडिंग कमेटी को सहयोग किया। हमने ZSI से, BSI से, जो मेरे को लगता है WII से, जो आज के समय में भारत के सबसे बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जिनके पास साइंटिस्ट की एक परंपरा है, हमने सबको एक क्रमबद्ध तरीके से हमने बनवाया और क्रमबद्ध तरीके से उस शेड्यूल को बनाने के बाद हमने शेड्यूल को इस प्रकार से सुसंगत किया है कि उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध ना है। इसके साथ ही साथ जो साइंटिस्ट ने जो अपने उनका जो एनेक्सर है उसको भी हमने लगाया है, लेकिन अभी हमारे आसाम के साथी कह रहे थे कि अगर कोई साइटस के साथ और भारत के विषयों के साथ अगर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होगा तो बिल में हमने प्रावधान किया है कि जो भारत के बनाए हुए जो एनेक्सर है वो उस पर प्रवेल करेंगे, क्योंकि हमारी संप्रभुता सबसे ऊपर है। अपने वन्य जीवों की और अपने बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना हम जानते हैं, इसलिए हमारी जो संप्रभु संपन्नता हमारे देश की है, सॉवरेंटी है, वो इस पर कायम रहेगी। इसके साथ ही मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरिया का एक पूरी तरीके से नेटवर्क है, जो हमारे देश में ना केवल पूरे देश के हेरिटेज को संभालता है, बल्कि वो हमारे देश में सबसे पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क था वो यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसको कभी हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, आज कॉर्बेट पार्क के रूप में हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आज हमारे देश में 693 जो 2012 तक हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया थे, अब पिछले 8 सालों में हमारी सरकार आने के बाद उनकी संख्या बढ़कर 987 हो गई है। इसलिए हम केवल डेवलपमेंट में विश्वास नहीं करते, हम डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के भी आगे बढ़ने का काम करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि ईरान के शहर रामसर में दुनिया के सारे देश इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये कहा था रामसर में कि हमें अपनी जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाना चाहिए। मैं अक्सर अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहता हूं, क्योंकि सारी वेटलैंड सारी फॉरेस्ट के अंतर्गत नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि अभी बीच में हमारा एक मंत्रालय का बहुत अच्छा प्रकाशन हुआ है, मेरे को लगता है सभी सांसदों को देखना चाहिए, हमारे जो 52 टाइगर रिजर्व हैं उसमें देश के 200 से ज्यादा जो स्वच्छ पानी के स्रोत निकलते हैं। इसलिए हमारे टाइगर रिजर्व केवल टाइगर के लिए रिजर्व नहीं है, देश के अमूल्य जो जल का जो हमारा जो स्रोत है उसके लिए भी अच्छे स्रोत के स्थान है, इसलिए भी हमें उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए और हम प्रोटेक्शन करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वेटलैंड हमारे पूरे इस पूरे एनवायरमेंट के में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं इसलिए कह रहा था, मैं अपने अधिकारियों को कहता हूं कि फॉरेस्ट तो हमको बचाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि फॉरेस्ट हमारा हार्ट है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं वेटलैंड को भी बचाना चाहिए। वेटलैंड अगर हमारे देश हमारा हार्ट फॉरेस्ट है तो वेटलैंड किडनी का काम करती है, वो प्योरिफिकेशन का काम करती है, नेचर के प्योरिफिकेशन का काम करती है। और इसलिए हमारे मणिपुर के जो हमारे मंत्री, उन्होंने जो विषय कहा, मणिपुर में निश्चित रूप से लोकटक जैसी बड़ी झील है, इतनी बड़ी झील है जितनी हमारी कश्मीर में हमारी वूलर जैसी लेक है, और राजस्थान में हमारे पास हमारे हनुमान जी बैठे हैं, इनके यहाँ सांभर जैसी लेक है, जो हमारे देश की अपने आप में माइग्रेटरी बर्ड्स को लेकर के सारी संपदा का काम करती है, और इसलिए उसका प्रिजर्वेशन के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। केरल के काफी लोगों ने जो विषय है, अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो इको सेंसिटिव जोन का विषय आया है, उस इको सेंसिटिव जोन के विषय को उठाया। मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने एक विषय थोड़ा आपकी सबके लिए रखना भी चाहता हूं, क्योंकि केरल के काफी सारे लोगों ने इको सेंसिटिव जोन के विषय को उठाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो बना, उस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंतर्गत 2002 में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनी, और उस स्ट्रेटेजी में ऐसा बनाया गया कि जो जमीन जो है हमारे जो नेशनल पार्क के इर्द गिर्द में 10 किलोमीटर तक की जो जमीन है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो नेशनल पार्क का जो इकोसिस्टम है वो इस इकोसिस्टम को समाप्त खराब ना करे। लेकिन जब वो बना तो उसके संबंध में काफी सारे लोगों की आपत्ति आई, आपत्ति आने के बाद एक दोबारा से मीटिंग 17 मार्च 2005 को हुई, तब ये कहा गया जो इको सेंसिटिव जोन है वो साइट स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि केरल की अगर घनी आबादी है, उत्तराखंड की घनी आबादी है, हिमाचल प्रदेश और गोवा की घनी आबादी है, तो साइट स्पेसिफिक होना चाहिए। जो
हम अपनी इकोलॉजी को बचा करके और अपने डेवलपमेंट प्लान को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें एक जैसा पैमाना कहीं पर भी नहीं हो सकता है। और इस साइट स्पेसिफिक जो हम लोगों ने मान्यता 2005 में दी, उसके बाद फिर हमारे मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के गठन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सालिम अली सेंटर फॉर नेचुरल हिस्ट्री, इन सबके एक्सपर्ट की सलाह लेकर उसके बाद हमने ईएसजेड का निर्माण किया। और इसलिए इस समय जो देश में इको सेंसिटिव जोन जो नोटिफाई हुए हैं उसको लेकर एक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पैरा ए से लेकर पैरा एच तक उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए हैं। हम उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में भी वापस से रिकंसिडरेशन के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे को ऐसा लगता है कि ये इसमें काफी सारा क्लैरिफिकेशन नहीं है, विशेष रूप से पैरा 44 के पैरा ए और पैरा 44E में अभी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, ताकि जो साइट स्पेसिफिक ऑलरेडी ईएसजेड डिक्लेयर हो चुके हैं, एक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनको डिक्लेयर किया जा चुका है, जहां पर एक्टिविटीज चालू है वहां पर एक संतुलन रखना चाहिए। इसलिए इस मामले के मेरिट में मैं नहीं कहूंगा, फिर भी तथ्यों को स्पष्ट करने की दृष्टि से मैं आपके सामने, बहुत सारे सदस्यों ने इस विषय को उठाया है, तो मैं एक स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि 44A और 44E के क्लैरिफिकेशन के लिए मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन को फाइल किया है और निश्चित रूप से हमारा यह कहना है कि उस कंटेंट को देखा जाना चाहिए। दूसरा एक और जो विषय आया है वो सेक्शन 62 में बार बार किसी भी वन्य जीव को वर्मन करने की बात है। ये निर्णय कभी भी असंवेदनशीलता के साथ नहीं लिया जा सकता है। मैं मानता हूं और मेरी उन किसानों के साथ पूरी संवेदना है जो विशेष रूप से जंगली सुअर के आतंक से जिनके खेत प्रभावित होते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये और जो टाइगर सेंचुरी है दोनों नजदीक है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, अगर आप एकदम वर्मिन करेंगे तो जो उसका प्रे एरिया जो टाइगर का उसको भी वो अपना जो भोजन उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके लिए एकमात्र प्रावधान है, मिनिस्ट्री ने फरवरी में 2021 में गाइडलाइन निकाली, उसके तुरंत बाद मिनिस्ट्री ने फिर गाइडलाइन निकाली है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह अधिकार भी दिया है कि वो चाहे तो अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। और केरल में इसका 10 से ज्यादा बार निर्णय का प्रयोग भी किया जा चुका है। और मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से संतुलित विकास आवश्यक है, उसी प्रकार से अगर कोई भी जानवर हमारी फसल को क्षति पहुंचाता है तो उसके बारे में हमने पूरा सेंसिटिव तरीके से वाइल्ड लाइफ वार्डन को अधिकार दिया है और उस अधिकार का प्रयोग पूरी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा हम एक और विषय लेकर के आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को मान्यता प्रदान करती है। हम चाहते हैं कि उनके सारे अधिकारों का सेटलमेंट अगर होगा, क्योंकि हमारा देश का जो फॉरेस्ट है दुनिया के अन्य देशों के फॉरेस्ट से अलग है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है, हमारे कल्चर में फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, हमारे कल्चर में फॉरेस्ट के लिए पूरी तरीके से आत्मीयता का भाव है। और ये जो सिंह संरक्षण का, जो हम टाइगर कंजर्वेशन का जो उल्लेख करते हैं, ये महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर जी के द्वारा भी इस विषय का उल्लेख आता है। हमारे देश में एक पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बिल के माध्यम से हमने एक और विषय तय किया है कि जो नेशनल पार्क में जब हम कई जगह पर डिक्लेयर करते हैं तो देखने में आया कि वहां पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां पर रहने वाला जो परंपरागत समाज है, उनको तुरंत ही एकदम से हम जाने को कहते हैं। हमने इस बार उसमें एक प्रावधान लगाया है कि तुरंत उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। जब तक उनका विस्थापन पूरा नहीं हो जाएगा, उनके ग्रेजिंग राइट, उनके ड्रिंकिंग वाटर राइट, वो पूरी तरीके से सलामत रहेंगे। विस्थापन का अर्थ है कि एक डिग्निफाइड लाइफ उनको दी जाए, अपने जीवन का जब वो पुनर्स्थापन करे। अभी कुछ दिनों पहले मैं तड़ोबा में गया, अंदर पूरा गांव खाली हुआ और अभी और भी गांव की प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया में हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चाहते। हजारों साल से वो लोग वहां पर रहे हैं, उन्होंने उस जंगल को बचाया है, उस जंगल के प्रति एक संवेदना करी। आप कभी गिर में जाइए, हमारे मालदारी भाइयों को देखिए, हम जिस जगह पे रह नहीं सकते वहां पर वो शेरों के साथ उनके रहने का एक तादम्य का उनका एक जीवन है। हमारे सरिस्का में जाइए, सरिस्का
जिसका मैं हमारे जितने भी गुर्जर समाज के मीना समाज के गांव है मैं उन सब गांव में घूमता हूं, लेकिन हमारे विस्थापन का अर्थ है कि उनके परंपरागत जो राइट्स हैं उनको हम एक कैची के साथ नहीं काट सकते, एक कैची के साथ उद्घाटन नहीं कर सकते, वो उनकी जीवन शैली है। हम उनको निश्चित रूप से एक सम्मानपूर्वक जीवन देना चाहते हैं, तब तक उनके ड्रिंकिंग और गेजिंग राइट, उनके चारागाह के जो राइट है इस बिल में हमने, ताकि फॉरेस्ट विभाग के साथ किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट ना आए। क्यों? क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो निर्देशन में चलती है उसका सबसे पहला जो कार्य है वो गरीब के हितों की रक्षा, गरीब का कल्याण और इस देश के वनवासियों के जीवन में संवर्धन और सुरक्षा लाना, ये हमारी जिम्मेदारी और दायित्व रहता है। हमारे काफी सारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारे विषयों को अपने अपने तरीके के माध्यम से रखने का प्रयास किया। हमारे जो शुरू करा था वो शुरू हमारा प्रद्युत बारदोलई जी ने किया था, वो यहाँ पर बैठे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो बार बार और भी दो तीन सदस्यों ने जो जामनगर के ट्रस्ट का विषय उठाया, मैं आपको केवल इतनी जानकारी देना चाहूंगा, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने रेगुलेशन को मान्यता दी है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी SLP फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट की SLP ने भी कर्नाटक के जजमेंट को अपहोल्ड किया है। और यहां पर जब स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी ये विषय गया था, विशेष रूप से हाथियों को लेकर के विषय गया था, तो मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि इस देश में एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है, हमने अगर हाथियों का पालन किया है तो हमने उसको सम्मान के साथ किया है। केरल से लेकर के बाकी सारी जगहों पर हमने हाथियों को अपने जीवन शैली के साथ अपनाया है, और इसलिए हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन को मना किया है। रेगुलेशन सेंट्रल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो हमारी परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें हम हाथियों के संरक्षण को उसी प्रकार से यथावत जारी रहेंगे, केवल रेगुलेशन रहेगा, ये हमने निश्चित रूप से किया है। ट्रांसपोर्टेशन के विषय को भी किया है, और आप तो आसाम से हैं, आप जानते हैं कि हाथी पूरी तरीके से सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और इस समय हमारे देश में जो हमारा आपने जो संख्या दी है मुझे लगता है वो संख्या कम है। अभी तुरंत ही 32वां हमारा जो एलिफेंट का एक और रिजर्व हमने डिक्लेयर किया, टोटल 65,000 किलोमीटर एरिया हमारा हाथियों के लिए है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अगर दुनिया के 75% टाइगर जो हैं वो हमारे देश में है, तो जो 60% एशियाट हाथी है वो भी हमारे देश में है, और अगर 100% एशियाटिक लॉयन है तो वो भी हमारे देश में है। हम 130 करोड़ लोगों की जनता होते हुए भी इतने संवेदनशील भारतीय हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से अपने वन संरक्षण का और अपने वन्य जीवों के संरक्षण को जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि विकास और पर्यावरण दोनों अपने आप में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। समुचित विकास वही कहा जाएगा जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास हो, और इसलिए विकास के मायने में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, और हम भी अपने वन्य संरक्षण के मामले में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर हम ये चाहते हैं कि उन सब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नई उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे विकास को प्रभावित ना करे लेकिन विकास को संवर्धन करने का काम करे। जहां तक हमारे सौगत राय जी ने सुंदरवन के लिए कहा है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन उसकी चिंता अधीर जी आपको करनी चाहिए क्योंकि वहां पे पैसा पूरा खर्च नहीं हो रहा है। कभी कभी इस बात के समाचार आते हैं, सौगत राय जी को थोड़ा बुरा लगेगा, अभी खड़े भी होंगे, लेकिन आपको होने की जरूरत नहीं है। इसका उपयोग हम किस प्रकार से करें। और ये एक और है कि भारत का MOU बांग्लादेश के साथ सुंदरबन के संरक्षण हेतु है, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सौगत राय जी, चाहे आप हो, चाहे अधीर जी हो, चाहे मैं हूँ, सुंदरबन इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे यूनिक प्लेस है। ऐसा यूनिक प्लेस है, दुनिया में इससे बढ़िया मैंग्रोव का जो कोई स्थान नहीं है, उस सब का संरक्षण ये हमारे देश में न केवल हमारी जिम्मेदारी है, ये डायरेक्शन भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हमको मिल करके उसको बचाना चाहिए। सेम ऐसे जैसे मैंने डची गांव के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कहा, हमारी ये ऐसी संरक्षण की जगह है जिसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसके साथ ही साथ एक और विषय जो आया है वो साइटिस के मैनेजमेंट अथॉरिटी को सलाह देने के लिए साइंटिफिक अथॉरिटी में, मैं आपको ये यहाँ भी स्पष्ट करना चाहूंगा, कोई प्राइवेट साइंटिफिक अथॉरिटी नहीं होगी, इसके लिए हमारे मंत्रालय में WII, BSI, ZSI
ICFRE, IFGTB जैसे हमारे शासकीय संस्थान हैं, और सारे संस्थानों में हमारा कार्य करे उन्हीं का ही साइंटिफिक अथॉरिटी के रूप में विषय रहने वाला है। लक्षद्वीप में कोई स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। मोहम्मद फैजल जी, आपने जो आपका जो विषय था, एक जो रेड सेंडर्स की बात जो हमारे आंध्र के लोगों ने जो उठाई थी, इसका भी एक्सपोर्ट जो है साइटिस की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा ही किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, विशेष रूप से हसन मसूदी साहब जो थे उन्होंने, और जो अगाथा संगमा जी ने भी जो विषय उठाए हैं, वो सारे जो संरक्षण के प्रिजर्वेशन के संबंध में सब विषयों को हमने इस एक्ट के अंतर्गत पूरी तरीके से समावेशित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा देश पूरी तरीके से पर्यावरण और विकास दोनों विषयों के संतुलन के साथ चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले दिनों इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें पहली बार दुनिया ने भी स्वीकार किया कि जंगल केवल टूरिज्म के लिए नहीं है, जंगल मनुष्य के मन की शांति के लिए भी है। जो बात भारत अपनी संस्कृति में कहता रहा है, वो बात अब आज दुनिया भी स्वीकार करने लगी है। और इसलिए मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी है कि हमारे देश में न केवल प्रोजेक्ट लायन, न प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सफलतापूर्वक हमारे मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा देश पूरी तरीके से वन्य जीवों के अपराध और उसके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम ये मानते हैं कि वन्य जीवों का जो अपराध होता है, और विशेष रूप से जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है कि देश में इस प्रकार की एक भावना को जगाने की भी जरूरत है कि इनका प्रयोग कम से कम जो हमारे लग्जरी आइटम, हमारे शॉल हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उसमें इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये वन्य जीवों को केवल इसके लिए मारा जाए, ये कोई भी अच्छी मनुष्यता की उपलब्धि नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैंने केवल जो 41 के 41 सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, उसमें सरकार की भावना को और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग के द्वारा जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसको सामने रखने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से सदन इस बिल को पास करे, ताकि भारत दुनिया में आने वाले समय में जो वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, उसको अच्छी सिद्धता के साथ कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।